हेलो रिवन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल हम लोग का जो भी क्लास आती थी उसमें कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी। आप लोग भी कहते थे कि क्लास अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों के क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास आज कुछ गैजेट्स हैं और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे क्या है। और इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आइए नज़दीक लाइए और देखते हैं सबसे पहला चीज़ इसके अंदर क्या आया है। तो अब आप देख लीजिए ये क्या है। जैसा कि आपको पता है कि एप्पल की बात करें, ये हमारा आईफोन 12 है। आईफोन 12 128 GB का है और इसके थ्रू हम आपके क्लास को और भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देखिए, नज़दीक लाइए थोड़ा सा। एप्पल आईफोन 12 128 GB ग्रीन कलर का है। तो चलिए अब इसका अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि जो हमने कलर परचेज किया था ग्रीन कलर, तो क्या इसके अंदर भी वही चीज़ मिला है कि नहीं मिला है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाइफ का पहला आईफोन। और खूबसूरत वाह, इसको कहते हैं एक चीज़। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए सबसे तो मतलब खूबसूरत यही होता है, आईफोन का लोगो लोगो कटा हुआ है एप्पल। चलिए इसको हम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो देखिए एप्पल के बॉक्स में जब भी आप कोई फ़ोन ऑर्डर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन मिलेगा और यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल मिलता है और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले इसको हम साइड में करते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं। इसका एप्पल का एक लोगो है और बाकी कुछ यूज़र मैनुअल है, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सिम इजेक्टर है, इसको हटाते हैं। और देखिए इसमें कोई चार्जर नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी एप्पल का फ़ोन बाई करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन और इसके अंदर एक केबल मिलता है, तो चार्जर आपको अलग से बाई करना पड़ता है। तो चार्जर हमने ऑलरेडी यहाँ से बाई करके रखा है। तो देखिए चार्जर भी देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब जब चार्जर आप एडेप्टर बाई करेंगे तो इसमें केबल नहीं मिलता है, मतलब हर तरह से आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इसमें अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो अब देखिए फ़ोन अलग तरीके से बाई किया गया, एडेप्टर हमने अलग तरीके से लिया। अब इसके अंदर हमने कोई चीज़ लिया जो कि इसके ऊपर हम लोग इसका बैक कवर और साथ ही साथ इस पर हम लोग एक टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे। इसके अंदर जो कि इसका बैक कवर है, ठीक है, बैक कवर है और इसमें देखते हैं इसके ऊपर हम लोग का एक टेम्पर्ड ग्लास था, तो ये भी देख लेते हैं। टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी प्रीमियम था जो कि मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ग्लास को प्रोटेक्शन करने के लिए था और ये काफ़ी मतलब महंगा भी है। और इसमें हम लोग देखें, ये तो इसका पहले फ्रेम है लगाने के लिए जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें जो हमारा जो ग्लास दिया गया यहाँ पर है, ठीक है। और ये बाकी कुछ इसका यूज़र मैनुअल है तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। और इसमें ग्लास है, शायद इसमें ग्लास है, दोनों में मतलब दो ग्लास थोड़ी होगा, एक ग्लास यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, दो दो ग्लास दिया है कि मतलब अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ग्लास के साथ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इस पर अटैच करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, जब उसको ओपन करेंगे तो बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये हम लोगों ने इसका सेटअप कंप्लीट कर लिया और इस पर जो टेम्पर्ड ग्लास है वगैरह ये सारी चीज़ें हमने इसको लगा दिया। और देखिए मुझे वैसे तो आईफोन हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर आप एक चैनल यूज़ चला रहे हैं और वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो इसका कैमरा क्वालिटी जो कि काफ़ी अच्छा है, जितना का आप DSLR लेंगे उससे अच्छा है कि आप इसको ले लीजिए, मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको हो जाएगा आपके क्लास में। तो देखिए मतलब महंगा है लेकिन काफ़ी कह सकते हैं ना कि चीज़ मतलब बढ़िया है। चीज़ बढ़िया है, मज़ा आता है चलाने में। अब तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा रिव्यू कैसा है क्या नहीं, लेकिन अब आगे जो आपकी क्लास आएगी देखेंगे इससे क्या मतलब किस तरह का क्वालिटी आ रहा है। तो बस आप लोग खुद ज़्यादा रिव्यू कीजिएगा ज़्यादा कुछ जैसा कहेंगे फीडबैक। नहीं।